पर हाईकमान का कुछ रवैया थोड़ा ढिला रहा, इस करके नुकसान हो। मलूका साहब के बयान आ जाते थे, कहते भी ऐतकी लोगों के पैरों लिटना पै रहा है, लोगों दिनत कर पै रही कांगड़ साहब न भी कोई मूँह नहीं ला रहा। वोट तो मिन्नत नहीं पैदा, वह हंकार ना लेंदा है, वो छाल चुकाउणगे, वो डरा डरा के मैं तेनों अंदर दूंगा, मैं इन वेखूंगा, इन वे काम लोट भी आ गया। वैसे ऐ नहीं कराए, उन्हें आप कराया, भुल के उन्हें आप ही कराया, भुलेखे जो बेचारा कही जाता। मैं तो अज तक एक भी दुकान पर कब्जा नहीं कराया। उन्हों की जमीन 8-10 किले जी बहुत कमर्शियल सी, उस पर इन्हें कब्जा किया, जिथे इन्हें आपकी वड्डी मार्केट बनाई है। सत श्री अकाल जी, इंडो कनेडा टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सरजीत सिंह ढिल्लों स्वागत करता है। वोटों का माहौल बहुत गरमा चुका है, उस तहत अज असी पहुँचे हैं बठिंडा जिला के हलका रामपुरा फूल विखे। जे हलका रामपुरा फूल की गल करिए फिर गुरप्रीत सिंह जी कांगड़ बरसर सिकंदर मलूका की गल क्यों ना की जाए, तो अज असी थोड़ी जी मुलाकात है, यह मुलाकात सरदार गुरप्रीत सिंह कांगड़ जी ने करवा जा रहे हैं। 5 सालों के जो तुम लोगों वादे किए थे, वादे वफा हुए तो कि मुद्दे को लेकर हम जी चोणा लड़ रहे हो, लोग क्यों वोट पाउंगे? सुनो, देखो गल है, असी जो वादे किए बहुते वादे असी पूरे किए हैं, कोई ऐसी गल नहीं कि वादिया की। पंजाब डिवेलपमेंट असी बहुत बड़ी बड़े पद्धर से डिवेलपमेंट हुई है, लोगों जाके पिंडों पुछो भी इदू 50 साल पहला कदे भी डिवेलपमेंट नहीं हुई जो इस की 50 साल हुई है। लोगों का मन बड़ा खुश है इस गल और जी रिजल्ट है, सुनू 20 तरीक लोग वोटा पा के दस देंगे भी इन्हों की डिवेलपमेंट का की सी। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने थोड़ी चंगी नेड़ता रही है, उन्होंने 4.5 साल की कार्यकारी में किमें? देखो ऐसा उन्होंने कार्यकारी बहुत ही चंगी नहीं रही, उन्होंने मिलन गिण तो गरीज रखे, अपने अंदर ही सीमित रहे ने, हो इस करके उन्होंने अपना नुकसान भी कराया तो पार्टी का नुकसान भी होया। नहीं, 4.5 साल पार्टी पता ही नहीं लगे भी वो ऐतकी नहीं, कुछ तो करोना आ गया सी भी, करोना करके भी कुछ इस की समस्या में आई हैं। अच्छा, तो कुछ पर जो पार्टी तो बड़े चिर दी MLA तो सारे पहला कह रहे सी, पर हाईकमान का कुछ रवैया थोड़ा ढिला रहा, इस करके नुकसान होया। एक मैं ये दसो साहब जी भी जोड़े है मलूका साहब के बयान आई जाते थे, कहते भी ऐतकी लोगों के पैरों च लिटना पै रहा है, लोगों दिनत कर पै रही कांगड़ साहब न भी कोई मूँह नहीं ला रहा, इस की सोतों घाट रहेगी जी भी सू इनी प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रॉब्लम कहदी होंगी है, वोटा हंकार ना लिया जाए, वोट तो मिन्नत नहीं पैदा, वो हंकार ना लेंदा है, वो छाल चुकाउणगे। मैं तो 5 इलैक्शन है, 5वीं इलैक्शन है, मैं तो आए बार मिन्नत करके लिना लोग, मैं तो अज तक यही नहीं किया भी मैनू बैठे घरों वोट पाओ, वो डरा डरा के मैं तेनों अंदर दूंगा, मैं इनू वेखूंगा, इन वे काम लोट भी आ गया। वैसे कई साढ़े लोग कमजोर दिले है तो जो दबका मारद इस चक्कर कम लोट आया वै, पर अखीर रिजल्ट साढ़े नहीं चंगा होगा, तो मेहनत करनी कोई माड़ी नहीं होंगी, वोट मेहनत प्यार ना नीवे होकर मिलती होंगी है। कई गरीब गंभीर इल्जाम लाए है भी जोड़े है कांगड़ साहब भी मार्केट की कमेटी दुकाना है उन्होंने कब्जे करवाए, वो रिश्तेदारों दे दी जी, वो फलाना करता जी, वो नजायज कब्जे करवाए हुए जी। ये मैं नहीं कराए, उन्हें आप कराया, भुल के उन्हें आप ही कराया, भुलेखे जो बेचारा कही जाता। मैं तो अज तक एक भी दुकान पर कब्जा नहीं कराया, उन्हें सारी मार्केट कमेटी म्यूनसिपैलिटी कमेटी भगते भाई अपने रामपुरा तो भगते गरीब परिवारों को याड के बिदर परिवार को उन्हों की जमीन 8-10 किले जी बहुत कमर्शियल सी, उस पर इन्हें कब्जा किया, जिथे इन्हें आपकी वड्डी मार्केट बनाई है, तो करोड़ों रुपया उतों इन्हें नहीं कहते 5 दुकानदार मार्केट कमेटी वाले खुश है, बाकी नहीं खुश, कहते उ ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल रामपुरी मार्केट। नहीं नहीं कुछ नहीं, जरा इन्हें म्यूनसिपैलिटी जो गंद पाया तो सारे पैसे हड़प किए हैं, ये रामपुरा शहर के मंडी तो जाके पुछो। सर मेन मुकाबला कि सा किसी ना नहीं, ये बहुत पिछे है सारे। चलो ये सन गुरप्रीत सिंह कांगड़ जी, इन्हों मुलाकात की, मुलाकात थोड़ू कि लगी कमेंट बॉक्स के आके दस्यो, कमेंट करो, तो साढ़े नाल जुड़े रहने लिये जो इंडो कनेडा टीवी पेज में फॉलो लाइक और शेयर जरूर करो। अगले एपीसोड तक बने रहने लिए तब तक धन्यवाद।